नमस्कार दोस्तों, अनीताज कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं बाजरे के बिस्किट बनाऊंगी जो बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होंगे। सर्दियों में बाजरा बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाजरे का बिस्किट बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी छोटी मोटी भूख हो आप इसे खाकर हेल्दी रह सकते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बाजरे का बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन रखेंगे गैस में। तो गैस को ऑन कर लेते हैं, गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले गुड़ डालेंगे। ये मैंने 1 कप गुड़ लिया है, ये वजन में 150 ग्राम के करीब है। ये 1 लड्डू था उसका मैंने आधा ले लिया है, इसको इसमें डाल लेंगे। आधा कप पानी डाल देते हैं, आधा कप से कम है पानी थोड़ा सा। गैस को मीडियम फ्लेम में रख करके इसको लगातार घोलते हुए इसको गुड़ को पिघला लेना है। ज़्यादा पकाना नहीं है, केवल गुड़ पिघल जाए बस इतना ही इसको पकाना है। गुड़ काफ़ी पिघल गया है ये देखिए, बस थोड़ा सा और पिघल जाए उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। गुड़ देखिए पिघल गया है, अब इसमें एकदम टुकड़े नहीं बचे हैं, थोड़ा थोड़ा इसे पकने भी लगा है। गैस को ऑफ कर देते हैं, अब इसको बाहर कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, ये गुड़ थोड़ा सा ठंडा हो गया है। पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ठंडा करना है। अब एक बाउल रख लेंगे, अब इसमें एक स्ट्रेनर रख लेते हैं, गुड़ को छान लेंगे क्योंकि गुड़ में छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो बाहर निकल जाए। अभी गुड़ छन गया है, देखिए इसकी गंदगी निकल गई है इसमें। अब इसको हटा के साइड में कर लेते हैं। अब एक बड़ा बाउल ले लेते हैं, अब इसमें बाकी की सामग्री डाल लेंगे। ये 1.5 कप बाजरे का आटा ले लेंगे, ये 1 कप, ये आधा कप, 1.5 कप हो गया। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप तिल, ये सफ़ेद तिल हैं, थोड़ी सी इलायची पाउडर, ये थोड़ा सा गरी का बुरादा, आप इसको चाहें तो डालें नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी ले सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं या वनस्पति घी डाल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। अब इसको हाथ से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अभी ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छा सा मोयन हो गया है, देखिए ऐसे बंध रहा है। अब इसमें ये जो गुड़ है इसी को थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूंथेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे कि गीला हो जाए। अब इसको गूंथ करके अच्छा सा इसका डो तैयार करना है। अभी अच्छा सा डो बन के तैयार हो गया है, ये देखिए इसको गूंथने में ये थोड़ा सा लिक्विड बच गया है। ये जब लिक्विड इसमें डालिए तो ये गर्म रहे थोड़ा थोड़ा, तभी डालना है, ठंडा ना होने पाए। अब इसको किसी और में यूज कर लेंगे, इसको साइड में कर देते हैं। अब इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद बनाते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अभी आटा को देख लेते हैं। इसको दोबारा से अच्छे से मसल लेंगे, अब इसको हटा देते हैं। अब इसको इसी प्लेटफॉर्म में बेल लेते हैं, या आप कोई चकला ले लीजिए उसमें बना लीजिए। अब इसकी लोई निकाल लेंगे, अब एक लोई को ऐसे गोल कर लेते हैं, ये देखिए बढ़िया पेड़ा जैसे बन गया। अब इसमें ऑयल पड़ा है तो चिपकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑयल लेकर के यहाँ लगा लेंगे प्लेटफॉर्म पे, या आप चकले में बेलें उसमें लगा लीजिए। अब इसको धीरे से बेल लेंगे, पहले चपटा कर देते हैं, थोड़ा सा ऑयल और लगा लेते हैं जिससे चिपके नहीं। ये देखिए हाथ से ही इतना चिपक गया। अब इसको एक बेलन से हल्का हल्का बेल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बेल रहा है, चिपक नहीं रहा है। ये बिस्किट खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि बिस्किट कैसा था।
ठंडी के मौसम में हेल्दी भी होते हैं खाने में, क्योंकि बाजरा गुड़ दोनों गर्म होता है। ये देखिए बेल गया, इतना मोटा बेलना है, बहुत पतला भी ना हो बहुत मोटा भी ना हो। अब एक कोई कटोरी ले लीजिए या कोई इस तरह का ढक्कन ले लीजिए, इसी में से काट लेते हैं। ये देखिए अब इनका साइड का हटा देंगे, संभाल के हटाना है क्योंकि बाजरे का आटा है ना तो बहुत जल्दी टूटता है। अब साइड का हटा लिया है, अब एक टूथपिक ले लेंगे, ये ऐसा इसमें छेद कर देंगे ऐसे करके, तो ये फूलेंगे नहीं, बढ़िया अच्छे खस्ता रहेंगे। या किसी से भी डिजाइन बना सकते हैं, फॉक से, स्पून से, या किसी चीज से भी बना दीजिए। छेद कर देंगे तो आप पूरी जैसे फूलेंगे नहीं, नहीं फूल जाएंगे तो बिस्किट जैसे नहीं लगेंगे, इसलिए थोड़ा सा छेद करना पड़ता है। अब इनको हटा लेते हैं। ये देखिए एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसी तरह दूसरा बना लेते हैं। अभी दूसरा भी बिल गया, इसको भी इसी तरह काट लेना है। ये चाहे उल्टे तरफ से बना सकते हैं ऐसे, तो थोड़ा बड़ा बड़ा और अच्छा दिखेगा। डिजाइन जैसे बना दीजिए, ऐसे लगे कोई डिजाइन बनी है, छेद भी हो जाएगा डिजाइन भी बन जाएगी। ये देखिए अब इस तरह बना के रख लेना। अब ये बिस्किट बन के रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। अब कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने को, गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेंगे, ऑयल गर्म हो जाए तो फिर डालते हैं। अब ऑयल गर्म हो गया है, गैस को लो मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। बहुत तेज ऑयल को नहीं गर्म करना है, बहुत थोड़ा ही गर्म हो तभी डालना है। अब इसी में बिस्किट को डालते हैं। ये देखिए बहुत तेज नहीं है, थोड़ा धीमी आंच में ही इनको सेंकना है। अभी थोड़ा थोड़ा पक गए हैं, जब थोड़ा सा पक जाए तभी पलटे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अभी थोड़ा सा कम हुए हैं और पक जाने देते हैं। अब इनको धीरे से पलट लेते हैं। ये देखिए मैंने इनको रिफाइंड ऑयल में फ्राई किया है, आप चाहें तो देसी घी में फ्राई कर सकते हैं। अब इधर भी पक जाने देते हैं। अब इनको पलट के देख लेते हैं, इधर भी पक गए हैं। ये देखिए इधर भी पक गए हैं। अब इनको बाहर कर लेते हैं। अब इनको इस छन्नी में निकाल लेते हैं, जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल वो नीचे निकल जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आप लोग जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, ऑयल नीचे निकल गया है। देखिए अब इनको बाहर कर लेते हैं। अब इसी तरह दूसरा बैच डालते हैं। अभी दूसरा बैच भी पक गया है, इनको भी पलट लेते हैं। अब इसी तरह अलट पलट के सेक लेना है। लोहड़ी आ रही है, मकर संक्रांति आ रही है, उसमें आप लोग जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेंगे। इनको आप एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं, बिल्कुल बिस्किट जैसे टेस्ट के लगते हैं। अब इसी तरह सारे बना लेंगे। ये बाजरे के बिस्किट बनके तैयार हैं, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेंगे। इनको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत ही खस्ता बने हुए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये मेरे बाजरे का बिस्किट बनाने का तरीका पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।